नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल ग्राउ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन योक कॉइल, जो सीआरटी टीवी में लगा होता है। देखिए, यह है डिफ्लेक्शन योक कॉइल। इसमें देखिए चारों टेप आप देख रहे हैं, चार टेप इसमें बने होते हैं। चारों टेप के कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, इसमें चारों वायर कटे हुए हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा वायर या कौन सी कॉइल हॉरिजॉन्टल की होती है और कौन सी वर्टिकल की होती है। तो इनको कैसे चेक किया जाता है और ये कैसे शॉर्टिंग होती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन योक कॉइल बार बार ख़राब हो जाती है, तो हम इसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनमें से वर्टिकल के लिए कौन सी कॉइल, कौन से जो कनेक्शन, ये दोस्तों वर्टिकल में जो ये चार कनेक्शन बने हुए हैं, वर्टिकल का कनेक्शन किन पर करना चाहिए और हॉरिजॉन्टल की कौन सी इसमें कॉइल होती है, तो ये कैसे पता करना होता है, तो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। वर्टिकल कॉइल की रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा होती है, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसे अपन रेजिस्टेंस में चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो कॉइल होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और वर्टिकल की ज़्यादा होती है। हमें पता नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल इनमें से चारों में से कौन सी हॉरिजॉन्टल कॉइल कौन सी है और वर्टिकल कॉइल कौन सी होती है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए, ये कॉइल एक है तो इसकी कंटिन्यूटी आप देख पा रहे हैं 3.8 ओम दिखा रहा है ये, और इधर ये 16 ओम दिखा रहा है, 15.7 ओम दिखा रहा है, और ये 3.8 ओम की रेजिस्टेंस इसमें है। तो दोस्तों इन दोनों जो ये टेप बने हैं, इन दोनों में जो कनेक्शन के ये जो हैं इनकी रेजिस्टेंस कम है, तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि हॉरिजॉन्टल की जो कॉइल होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो देखिए इन दोनों की रेजिस्टेंस कम है, आप फिर से देखिए इनकी रेजिस्टेंस कम है और ये इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये हॉरिजॉन्टल के हो गए क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस कम है दोनों, और इधर ये वर्टिकल के हो गए दोनों। अब हमें इनको शॉर्टिंग भी चेक करना होता है, तो शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, तो देखिए इनमें ये आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों को चेक करते हैं, तो इस प्रकार शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, तो ये कॉइल सही होती है। अब दोस्तों ये कॉइल तो हमने चेक कर ली, लेकिन सर्किट बोर्ड में हमें पता नहीं होता कि सर्किट बोर्ड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कनेक्शन वायर जो आप देख पा रहे हैं, ये है चार इसके कनेक्शन के लिए, ये चार वायर योक कॉइल के ये वायर हैं। तो इनमें ये सॉकेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है चारों वायर का, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल के कौन से हैं। यहाँ तो हमें योक कॉइल में तो पता लग गया हॉरिजॉन्टल कॉइल के लिए ये है और वर्टिकल के ये है, लेकिन कॉइल सर्किट बोर्ड में पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए ये है वो कनेक्शन सॉकेट, यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये चार जो वायर बने, ये सॉकेट बने हुए हैं, यहाँ से लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइन जा रही है, तो ये सीधी यहाँ से इस आईसी पे जा रही है, और ये आईसी वर्टिकल आईसी है, तो वर्टिकल आईसी होती है 78040 इसके नंबर हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है वर्टिकल आईसी 78040 आईसी है। तो ये नीचे के जो है ये वर्टिकल में जा रही है, और ये दो बचे हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए यहाँ पे ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जा रहा है ये लाइन, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर यही है आउटपुट ट्रांजिस्टर, तो इसके कलेक्टर पे जा रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये दो ऊपर वाले हॉरिजेंटल के और ये दो वर्टिकल के लिए। तो अब हम इनको यहाँ पे लगाएंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल को। तो दोस्तों लगाने के लिए भी अब हमें पता नहीं होता है कि हॉरिजेंटल के, आप देख पा रहे हैं हॉरिजेंटल के ये दो वायर हो गए, ये वाले वायर। तो अब हमें इनको यहाँ पर किस प्रकार लगाना है, इस रेड वायर को यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है, इनको दोस्तों इनको इस प्रकार लगाने हैं या फिर इस प्रकार लगाने हैं, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और उनका अगर गलत लग जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, आप एंड तक देखते रहिए। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसका पता नहीं है किस प्रकार से हमें लगाना है, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि वायर गलत लग जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है और हमारी राष्ट्र या पिक्चर में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में, आप देखते रहिए। दोस्तों मैंने ये लगा दिया है, अब हम इसे टीवी को ऑन करके देखेंगे और पिक्चर को देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो नंबरिंग है ये आपको उल्टे नज़र आ रहे हैं, देखिए उल्टे नज़र आ रहे हैं। और जो चैनल का लोगो वो भी इस साइड में और इसके भी नंबर उल्टे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, अक्सर उल्टे हो चुके हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है, तो ये दोस्तों हॉरिजेंटल के वायर की गलत लगने से इस पर आते। देखिए दोस्तों अभी इसमें आप देख पा रहे हैं सब जो ये चैनल के लिस्ट आप देख रहे हैं सब उल्टे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये किस प्रकार से सभी जो लिखे हुए हैं चैनल की लिस्ट सब उल्टे हो चुके हैं। तो ये हॉरिजेंटल योग के वायर गलत लगने से इस प्रकार दिखाई देता है। तो अब मैं इसको वापस फिर से चेंज करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो वायर हैं ये वायर गलत लगे हुए हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पलट देंगे हम इसे। इस नीले वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और रेड वाले वायर को यहाँ पे लगा दें। अब दोस्तों फिर से हम इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो चैनल का लोगो है वो भी राइट साइड में आ चुका है और आप अब देखिए लिस्ट भी सही दिखा दे रही है। देखिए टीवी चैनल लिस्ट आप देख पा रहे हैं सभी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, देखिए सब आप पढ़ सकते हैं, पहले अक्सर उल्टे थे। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल वायर के कनेक्शन गलत लग जाएं तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हम वर्टिकल के लिए देखते हैं, वर्टिकल के वायर को भी हम देखते हैं, वर्टिकल के वायर भी अगर गलत लग जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों अब देखिए वर्टिकल योग के वायर चेंज करने के बाद देखिए आप देखिए पिक्चर उल्टी नज़र आ रही है आपको, देखिए पिक्चर उल्टी नज़र आ रही है, ये देखिए पिक्चर उल्टी नज़र आ रही है। वर्टिकल योग का वायर जब हम चेंज करते हैं या गलती से लग जाते हैं तो इस प्रकार का फॉल्ट हमें देखने को मिलता है, ये देखिए आप ये नीचे आना चाहिए, ये ऊपर आ रहा है और पिक्चर के सिर नीचे, ये देखिए। तो इस प्रकार अब हम मैं इसे वापस फिर से, ये डिफरेंस आया पिक्चर के सिर नीचे और पैर ऊपर, ये दोनों वायर हैं, इन वायर के गलत लग जाने से या गलत सोल्डरिंग होने की वजह से इस प्रकार का फॉल्ट आता है। तो इसे वापस में चेंज कर दूंगा।
तो ये येलो वाला वायर यहाँ पे लगाएं, और ये ग्रीन वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों मैंने इसके वायर चेंज किया वर्टिकल के। अब देखिए पिक्चर और रास्टर और अक्षर वगैरह सब सही आ चुके हैं। तो इस प्रकार वर्टिकल योक का और हॉरिजॉन्टल योक के वायर इस प्रकार हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं आई तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।